दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम जब भी कोई मीठी चीज खाते हैं, तब हमारे दिमाग के खुश रहने वाले हार्मोन्स, जिन्हें डोपामीन कहते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। और इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे मीठा पसंद ना हो, क्योंकि थोड़ा बहुत ही सही, हम सभी मीठे के दीवाने हैं। सुबह की चाय की प्याली से लेकर इन रंग बिरंगी मिठाइयों तक, ऐसी कई मीठी चीजें हैं जो हम जैसे आम लोगों की कमजोरी है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि चीनी को गन्ने से बनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गन्ने के खेत से आपके घर जो दानेदार सफेद चीनी पहुंचती है, उसके बनने का प्रोसेस क्या है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखें। मिलकर जानेंगे मिल में चीनी के बनने की पूरी प्रक्रिया। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम एक शुगर मिल की सैर पर चलें, आपको बता दें कि ब्राजील के बाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन हमारे देश भारत में ही होता है। हमारे देश में चीनी सरकारी और निजी चीनी मिलों के अलावा क्रशर और छोटे कोल्हुओं पर भी बनती है, लेकिन चीनी बनाने का बड़ा काम निजी चीनी मिलों के ही पास है। और यहाँ बात है चीनी बनाने की प्रक्रिया की, तो सबसे पहले गन्ने को खेतों से काट कर शुगर मिल तक लाया जाता है, क्योंकि चीनी अधिकतर गन्ने से ही बनाई जाती है। हालांकि चीनी बनाने के लिए गन्ने के अलावा शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन दोस्तों शकरकंदी का इस्तेमाल बहुत ही कम जगह होता है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में चीनी बनानी हो तो गन्ने का ही इस्तेमाल किफायती रहता है। किसान के खेत से गन्ना तौलाई के बाद ट्रक और ट्रैक्टरों से चीनी मिल के एक ऐसे एरिया में आता है, जहां एक मशीन के जरिए इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। दोस्तों, गन्नों को छोटे छोटे साइज में काटने के बाद इन्हें धोया जाता है, और जब गन्ने पूरी तरह से साफ हो जाते हैं तो फिर शुरू होती है गन्ने से रस निकालने की प्रक्रिया, जिसके लिए इन्हें क्रशर में डाला जाता है। इसके बाद गन्ने का रस और छिलका अलग अलग हो जाता है। दोस्तों, गन्ने का जूस निकलने के दौरान ही उसे साथ के साथ भाप से गर्म भी किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर बड़े बड़े चुंबकों की मदद से गन्ने के रस में मिले लोहे जैसे ठोस पदार्थों को अलग कर लिया जाता है। गन्ने के इस जूस में शुरू से ही गर्म भाप इसलिए मिलाई जाती है ताकि उसमें किसी तरह का फंगस ना लगने पाए, साथ ही वो जूस को पहले से गाढ़ा और एक सिरप जैसा बनाने में मदद करती है। हम आपको बता दें कि इन गन्नों के छिलकों में काफी मात्रा में शुगर होती है, जो कि काफी ज्वलनशील होती है, और यही कारण है कि इन फैक्ट्रियों में ईंधन के तौर पर किसी दूसरे ईंधन का इस्तेमाल बहुत कम होता है। वो गन्ने के इन्हीं छिलकों को जलाकर अपनी बट्टियां गर्म करते हैं। दोस्तों, गन्ने का रस और उसके छिलकों को अलग करने के लिए जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं, उसे मिल हाउस कहते हैं। मिल हाउस से हासिल होने वाले गन्ने के रस को छानकर प्रोसेसिंग हाउस में भेज दिया जाता है, और इसी प्रोसेसिंग हाउस में गन्ने के रस से चीनी तैयार की जाती है। प्रोसेसिंग हाउस में सबसे पहले गन्ने के रस को 60 से 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिसके बाद इसमें मिल्क ऑफ लाइम मिलाया जाता है। यहाँ इसे मिलाने का एकमात्र मकसद ये होता है कि गन्ने में मौजूद एसिडिटी को कम किया जा सके, क्योंकि कम ही सही, लेकिन गन्ने में एसिड की मात्रा होती है। इस प्रोसेस के बाद गन्ने के रस को 104 डिग्री पर गर्म करके एक क्लैरिफायर में डाल दिया जाता है, और इसी प्रोसेस के दौरान गन्ने के रस में सल्फर गैस और फूड ग्रेड केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं, ताकि गन्ने के रस में मौजूद इम्प्यूरिटीज नीचे बैठ जाए। गाढ़े होते जूस से शीरा और मर्ड समेत कई बाई प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं, जिसके बाद साफ रस ऊपर आ जाता है। तब इसे एवेपोरेटर मशीन की मदद से उबाला जाता है, ताकि रस में मौजूद पानी भाप बनकर अलग हो जाए। जब पानी भाप बनकर अलग हो जाता है, तब जाहिर सी बात है रस गाढ़ा हो जाता है। इसके बाद उसे दानेदार होने तक गाढ़ा करते हैं, और ऐसे रॉ शुगर क्रिस्टल्स तैयार हो जाते हैं। इसके बाद इनका कुछ हिस्सा रख लिया जाता है, क्योंकि इसे मिश्री बनाने वाले लोग खरीद लेते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह की चीनी केमिकल से भरी रहती है। मिश्री बनाने के लिए एक बड़ी सी कढ़ाई में रॉ शुगर क्रिस्टल को पानी और थोड़ा सा दूध डालकर अच्छे से उबाला जाता है, और जब कई घंटों तक इसे लगातार उबाला जाता है, तब ये लेसदार हो जाता है। फिर पहले से तैयार दूसरे बर्तन, जिनके ऊपर धागे लगाए जाते हैं, उसमें ये डाल दिया जाता है, और फिर 8 दिन तक इन्हें पूरी तरह से ढककर रखा जाता है, ताकि इसे किसी भी तरह की हवा ना लगे। और फिर 8 दिनों बाद जब इसे खोला जाता है, तब ये रॉक क्रिस्टल शुगर मिश्री बनकर तैयार हो जाती है, जो होती तो चीनी की तरह ही है, लेकिन इसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। बात करें अगर हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली चीनी की, तो आपको बता दें कि छोटी छोटी दानेदार चीनी बनाने के लिए इस रॉ शुगर को एक खास तरह की छन्नी से गुजारा जाता है, जहाँ पर देसी चीनी और शीरा को अलग अलग किया जाता है। दोस्तों, अलग किए हुए शीरा को मोलेसिस कहते हैं, और इसी मोलेसिस को कई तरह के अलग अलग प्रोसेस से गुजार कर अलग अलग ग्रेड की चीनी बनाई जाती है। आखिर में जो मोलेसिस बचता है, उसे फाइनल मोलेसिस कहते हैं।
जो शुगर इंडस्ट्री का एक बाय प्रोडक्ट होता है, जबकि हासिल होने वाली देसी चीनी को गर्म पानी में डालकर दोबारा से मेल्ट किया जाता है और दोस्तों फिर इन्हें सेंट्रीफ्यूग मशीन में डाला जाता है, जिसके अंदर फूड ग्रेड केमिकल डाले जाते हैं ताकि चीनी का कलर सफेद हो जाए, जिसके बाद चीनी को छानकर प्यूरिफाई किया जाता है। गर्म हवा से चीनी के इन सफेद दानों को साफ किया जाता है और अलग अलग साइज की छन्नियों से गुजार कर बारीक और मोटे दानों की चीनी को पैक करके सप्लाई के लिए आगे भेज दिया जाता है। दोस्तों साथ ही ये भी जान लें कि एक क्विंटल गन्ने से मिल में 10 से 12 किलो तक चीनी तैयार होती है। मिल में उसी गन्ने से शक्कर यानी चीनी के अलावा और भी कई चीजें बनती हैं, जिनमें बैगैस और शीरा अहम होते हैं। गन्ने का रस निकालने के बाद जो भूसा जैसा उत्पाद बचता है उसे बैगास कहते हैं। इसके एक बड़े हिस्से को मिल में लगी भट्टियों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाकी को कागज बनाने वाली कंपनियों को बेचा जाता है। साथ ही गुड़ से चीनी बनने के बाद जो चीज सबसे ज्यादा निकलती है वो शीरा होता है। ये प्रति क्विंटल गन्ने में चीनी के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। शीरे से एथेनॉल और स्पिरिट समेत कई चीजें बनाई जाती हैं। वर्तमान में ज्यादातर चीनी मिलों में डिस्टिलरी यूनिट भी लगाई जा रही है, जहां एथेनॉल से शराब बनाई जाती है। इसी एथेनॉल को पेट्रोल में भी मिलाया जाता है। तो दोस्तों चीनी मिल में कैसे बनती है, इसका जवाब अब आप जानते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बताएं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें द मिस्टिकल लैंड यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को भी, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस का ये दौर यहीं खत्म नहीं होगा। मिलेंगे फिर एक बार एक नई वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।